नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं आपके साथ अपने एनवायरनमेंट इंडेक्स की। आज तो आज संडे है और नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम है दोस्तों 5 जून का, तो प्लीज़ तैयार हो जाइए फटाफट आ जाइए। चलो बात करते हैं दोस्तों आपके साथ एनवायरनमेंट टॉपिक क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉपिक मैं आपको यहाँ टॉपिक लिस्ट दे दूंगा दोस्तों मैं, और इस पर आज रात को 10 लगभग 11 बजे रात को हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्लेन पार्ट पर, ठीक है। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग एनवायरनमेंट के 2 इंडेक्स ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको याद होगा। 2 इंडेक्स ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग यहाँ पर, 2 ऑलमोस्ट टॉपिक कर चुके हैं, आपको याद होगा। 2.5 आवर क्लास एनवायरनमेंट के 2 स्पेशल क्लास हमारे हो चुके हैं, तो काफ़ी कॉस्ट टॉपिक हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं वेल बे। तो उसके आगे देख लेते हैं और टॉपिक क्या क्या है हमारे पास। एक इंडेक्स तैयार किया दोस्तों मैंने, तो हमारे एक मित्र ने, मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि अगर कोई इंडेक्स बना के भेज सके तो भेज दीजिएगा। तो हमारे मित्र रोहित ने हमको बना के भेजा था कि हमने 2 क्लास में कौन कौन से टॉपिक किए थे, और काफ़ी लोगों ने भेजा था मुझे, लेकिन रोहित का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने एक लंबी जो लिस्ट उन्होंने भेजी थी, सर ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं लास्ट 2 क्लासेज में, जो एनवायरनमेंट की स्पेशल क्लास हुई थी आपकी, लगभग 2.5 आवर की क्लास तो ईच हुई थी आपकी, उम्मीद कर रहा हूँ तो वो आपने की होंगी। ठीक है, अपनी आवाज़ पहुँच रही है। सभी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को नमस्कार। ठीक है, सो फटाफट देख लेते हैं दोस्तों, बाद में जो बच्चे टाइम मिलेगा जिनको अभी पढ़ रहे होंगे या सो रहे होंगे वो उसको बाद में देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, हम लोग इंडेक्स बना लेते हैं फटाफट एक, जिससे जो बच्चे बाद में पढ़ने वाले बच्चे सो रहे होंगे, रात को लेट सोते हैं आमतौर पर समय एग्जाम के टाइम, तो आप बाद में उसको देख सकें। और दिन भर के मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा नंबर का आपको टॉपिक एक्सप्लेन करवाना है। तो अभी से लेकर रात को 10 बजे से पहले आप एक्सप्लेन बता दीजिए कौन कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन करना है, तो हम रात को 11 बजे टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, सो फटाफट दोस्तों आ जाइए सब लोग, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, तो जैसा भी जानते हैं आपको कॉम्बैक्ट भी है, जो बच्चे इस बार 5 जून दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं कॉम्बैक्ट दिन में 11 बजे आज, वो कॉम्बैक्ट ज़रूर दीजिए। करंट अफेयर्स कॉम्बैक्ट है दोस्तों के, वो स्पेशल कॉम्बैक्ट है करंट अफेयर्स का आपका, तो ज़रूर दीजिएगा 11 बजे सुबह आज। अनअकैडमी ऐप पर जाके हमारी मेगा कॉम्बैक्ट है, करंट अफेयर स्पेशल है दोस्तों, ज़रूर दीजिए 11 बजे का। जो बच्चे नहीं दे रहे हैं वो मुझे मिलिएगा 11 बजे कहाँ पर, अनअकैडमी ऐप पर, जहाँ बात करेंगे आपके साथ अपने PIB अपडेट्स के बारे में, और जो हमारा कल छूटा था लेक्चर वो कंटिन्यू करेंगे दोस्तों हम लोग। तो जो नेक्स्ट डे के लिए दे रहे हैं वो जुड़िए मेरे साथ, और जो बच्चे इस साल PT देने वाले हैं वो जुड़ेंगे कॉम्बैक्ट में जाके दिन में 11 बजे। ठीक है ना, एक अपना लेक्चर दोस्तों आज प्लान मैंने किया है शेयर मार्केट का, स्टॉक मार्केट, NSE BSE डेरिवेटिव स्पॉट मार्केट, वो होगा रात में 10 बजे। मैसेज चला गलती से सुबह 10 बजे का, लेकिन रात को 10 बजे क्लास होगा आपका। अभी 9 बजे एक क्लास होगा, दिन में 11 बजे अपना PIB अपडेट करेंगे, शाम में 7 बजे मैपिंग का क्लास करेंगे अपन यूट्यूब पर, और रात को 10 बजे करेंगे हम लोग आज आपका स्टॉक मार्केट, और 11 बजे करेंगे आपके साथ एनवायरनमेंट का एक्सप्लेन पार्ट। तो आज संडे स्पेशल बनाने वाले हैं आपके संग हम लोग दोस्तों यहाँ पर, तो दिन भर क्लास हो सकती है, तैयार रहेगा आप लोग। एक तक क्लास में और प्लान करूँ मैं आपके लिए। ठीक है, सो दोस्तों जुड़ सकते हैं हमारे संग, प्लस कार्यक्रम में जुड़ने का अच्छा समय है इस समय, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है। स्पेशल मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहे हैं मेंस के लिए दोस्तों, आप QR कोड यूज़ कीजिए, स्कैन कीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। बाकी याद रखिएगा, जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 31st पहले जुड़ जाइए, 31st का फीस बढ़ने वाली है हमारी 20%, तो फीस बढ़ने वाली है 20% 31st of May के बाद। तो प्लीज़ अगर जुड़ना चाहें तो यूज़ कीजिए Asharvad 10 कोड, जुड़ जाइए मेरे साथ मेरे अनअकैडमी प्रोग्राम्स के लिए, जहाँ पर भी NCERT का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है आपका दोस्तों मेरे साथ, और हम बात करते हैं वहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, इसके अलावा अभी 11 बजे कॉम्बैक्ट MS नहीं करना आपको, CSE एश्योर के ऐसे 2+1 यानी कि 2 साल का अकेडमी कोर्स लेने पर दोस्तों 1 साल का अकेडमी आपको अतिरिक्त ऑफर कर रहा है। यहाँ पर नहीं, आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप इस कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं प्लस का, आइकॉनिक का, कॉम्बैक्ट का, कॉम्बो का, तो आपको मिलेंगे हमारे प्रैक्टिस बुकलेट दोस्तों, जिसमें 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्री के दिए गए हैं। तो बहुत ही एक्सक्लूसिव बुकलेट तैयार की गई हैं, जुड़िए हमारे साथ, उन बुकलेट्स को आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं यदि आप कोई भी हमारा कोर्स बाय करते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों आप जुड़ सकते हैं प्लस और आइकॉनिक में हमारे साथ, प्लस कोर्स जहाँ पर हमारी क्लासेस होती है रेगुलर वे में, जहाँ पर आप डिस्कशन कर, आपकी क्लास हो सकती है, आप बात कर सकते हैं मेंटर से अपने, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहाँ पर, रेज योर हैंड कर सकते हैं, सिंपली आप पढ़ सकते हैं क्लास को प्लस में। और आइकॉनिक का फ़ायदा क्या है सर? आइकॉनिक में आपने आपके जो मेंटर्स है वो आपसे बात करेंगे यहाँ पर, आप पर्सनल कोच है एक प्रकार से, मेंशन क्वेश्चन से प्रैक्टिस है दोस्तों अपने आप में, स्टडी प्लानर है वहाँ पर आपके लिए दोस्तों, काफ़ी कुछ ओके। और ऑप्शन करना चाहें तो फीस है 24,000, आइकॉनिक का फीस 67,000 फॉर 1 ईयर, और आपका प्लस का फीस है दोस्तों 1 ईयर का नियरली 47,000 31 मई तक इसका फीस बढ़ जाएगा दोस्तों। जुड़ सकते हैं हमारे साथ, EMI कोर्स भी ले सकते हैं दोस्तों, EMI पर कोर्स ले सकते हैं आराम से, जहाँ मंथली EMI आप पे कर पाएंगे आराम से। इसके अलावा दोस्तों हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन लाए गए हैं, कोई भी डाउट है आपको प्री संबंधित मेन संबंधित, हमारी डाउट टीम है दोस्तों, उनसे बात कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं यदि आप प्लस आइकॉनिक कोर्स बाय कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आपके साथ, बाकी ऑप्शन लॉन्च हो रहे हैं 5 जून के बाद, नंबर ऑफ ऑप्शन लॉन्च हो रहे हैं वहाँ पर, PSIR ज्योग्राफी अबैट सोशियोलॉजी का ऑप्शन लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, जुड़ी हमारे साथ यहाँ पर। चलिए प्रारंभ करते हैं आपके साथ,
प्रारंभ करते हैं दोस्तों, फटाफट हम देखें आज के अपने इंडेक्स में क्या है। तो इंडेक्स में काफ़ी कुछ टॉपिक मैं करवा चुका हूँ आपको, आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये जो आप देख रहे हैं इंडेक्स वाइज, इसके 56 टॉपिक जो मैं पहले दो लेक्चर में आपको करा चुका हूँ, तो मुझे लगता नहीं उनमें कुछ भी करने के लिए है, लेकिन फिर भी क्विक स्कैन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। SDG इंडिया इंडेक्स दोस्तों जारी होता है हमारे यहाँ पर, इसमें स्टेट का रैंक आता है SDG टारगेट हासिल करने में। ISFR रिपोर्ट 2 साल में एक बार आती है दोस्तों, रिपोर्ट आ चुकी है इस बार की। इसमें हमने बात भी की थी, यूट्यूब पर स्पेशल क्लास भी हुआ था 14 जनवरी को, अपना स्पेशल पूरा 1 घंटे क्लास हुआ था यूट्यूब पर, इसको ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत काम का लेक्चर है। नहीं देखा है तो अभी तक आपने, अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो बहुत काम का है, अगले साल एग्जाम देंगे उनका भी काम का है दोस्तों। ये हमने इसे साइड टॉपिक कर रखे हैं दोस्तों, हमने कहाँ किए थे आपके दो एनवायरमेंट क्लास जो मैंने लिए थे, 2.5 आवर लगभग 2.5 घंटे के दो क्लास हुए थे दोस्तों, एनवायरमेंट 1 और 2 आपके, वो अप्रैल लास्ट में हमने किया था दोस्तों, 29 और 30 अप्रैल को हमने किया था दो क्लासेस को। उसके लिंक मैं भी आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर दूंगा, इससे आप उसको देख पाए आराम से जाकर दोस्तों। तो प्लीज़ देख लीजिएगा, दो लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लिया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने वहाँ किए हैं। ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, वाटर फ्लो टारगेट ऑफ रिवर, रिवर सिटी अलायंस, क्राइटेरिया, बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा समझाया था दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर, भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति क्या है, 50 साल हो रहे हैं इसको दोस्तों, क्लीन एयर प्रोग्राम हमारे यहाँ पर, नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस की बात की थी, नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क, नॉइज़ हमने बात की दोस्तों उसके बारे में, नॉइज़ मॉनिटरिंग नेटवर्क, नॉइज़ पोल्यूशन पर क्या स्टैंडर्ड्स हैं, मानक क्या क्या हैं हमने बात किए थे, कौन से डेसिबल में कितना साउंड होता है, BSR के 50 साल पूरे हो गए, नेशनल पार्क लिस्ट बनाई दोस्तों ने, कौन कौन से नेशनल पार्क चर्चा में रहे, ड्यूगोंग एक मैरीन नेशनल पार्क बन, एक मैरीन रिजर्वेशन बन रहा है दोस्तों, कहाँ पर, तमिलनाडु मनाया जा रहा है, ब्लैक टाइगर्स की हमने बात की थी, उड़ीसा में ब्लैक टाइगर्स देखे गए वहाँ पर, पेलिकन्स की बात की थी, किस प्रकार इनकी मौत देखी हैदराबाद के तेलंगाना में हम लोगों ने दोस्तों, हॉर्नबिल की बात की थी, भारत में कौन कौन से हॉर्नबिल पाए जाते हैं, चर्चा पे हुई थी हमारी आपके साथ, कांजीरंगा के गेंडों की बात हुई थी, काफ़ी चर्चा रही इनके बारे में, इनका जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था इंडियन राइनो विजन IRV 2020 वो समाप्त हो गया, इनको ट्रांसलोकेट किया गया बड़ी संख्या में, इनको बचाने का प्रयास किया गया, खत्म हो चुका है। ये सारे टॉपिक दोस्तों हम लोग कर चुके हैं आपके साथ प्रीवियस क्लासेस में, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है सर, कैब वाली में था एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट कैब के टाइटल से नहीं था शायद, वो मैंने पहले लिया था, मैंने कैब लॉन्च किया, मैंने 1 मई को लॉन्च किया था कैब तो आपके लिए, लेकिन उसके पहले ही हुआ था वो, तो शायद अलग से होगा एनवायरनमेंट, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा जस्ट क्लास खत्म होने के बाद, बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्त। स्वयं डियर बताया था मैंने आपको किस प्रकार हमारे यहाँ पर स्वयं डियर की संख्या कम हो रही है कांजीरंगा के अंदर, भारत सरकार का ग्रीन गुड डीड कैंपेन इसकी चर्चा हुई थी, परिवेश पोर्टल सरकार का एक सिंगल विंडो पोर्टल है जहां पर आप परमिशन प्राप्त कर सकते हैं एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट संबंधित, नगर वन योजना फॉरेस्ट हम बात कर रहे हैं, अर्बन फॉरेस्ट स्कीम सरकार लगातार प्रयास कर रही है शहरों में वनों की संख्या बढ़ाई जाए, कैंपा एक्ट पास हो चुका है, फंडिंग अलॉट हो चुकी है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात की हम लोगों ने, डॉल्फिन पर नेशनल डे मना रहे हैं हम लोग आजकल, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं डॉल्फिन पर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें भारत में प्रोटेक्टेड एरिया बात करें दोस्तों हम लोग यहाँ पर इंक्रीज़ हुए हैं, ओके नंबर ऑफ इंक्रीज़ बात की थी हमने, एशियाटिक लायंस की बात की थी, CAF की बात की थी, पक्षी आते हैं साइबेरियन पक्षी की बात हुई थी, वेटलैंड जो बने पंजाब में या देश में जो 49 वेटलैंड हो गए हैं, रामसर साइट हो गए हैं दोस्तों, इसकी चर्चा मैंने की थी वहाँ पर आपके साथ, बायोडाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है दोस्तों उसका मीटिंग कुनमिंग में हुआ, इस बार कुनमिंग में हुआ, कुनमिंग घोषणा पत्र जारी किया गया वहाँ पर, 30x30 टारगेट सेट किया गया, चाइना ने एक फंड तैयार किया दोस्तों वहाँ पर IPCC, और किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी के लिए जैसे IPCC काम करता है क्लाइमेट चेंज के लिए, वैसे ही बायोडाइवर्सिटी के लिए काम करता है दोस्तों IPBES इको सर्विसेज के लिए, इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इको सर्विसेज के लिए दोस्तों काम करता है आपका IPBES, जैसे लाइक IPCC है क्लाइमेट चेंज के लिए। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा गरुड़ की बात की आपके साथ की थी, वल्चर्स के हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल दीपोर बिल, असम का दीपोर बिल जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, तमिलनाडु का गोंडी नेशनल पार्क चर्चा में रहा दोस्तों, रामसर साइट हमने बताई पूरी आपको यहाँ पर, जो महाराष्ट्र और गोवा में दोस्तों ब्लैक पैंथर बघीरा को शॉर्ट बोलते हैं हम लोग, काला तेंदुआ बोल सकते हैं, वो हमने स्पॉट किया कई जगह पर महाराष्ट्र में भी और गोवा के अंदर भी दोस्तों, लास्ट ईयर गोवा में किया था, इस साल महाराष्ट्र के नवेगांव जो इलाका है दोस्तों नगजीरा टाइगर रिजर्व वहाँ पर किया गया। इसके अलावा नए टाइगर रिजर्व दोस्तों SMTR श्री SMTR दोस्तों श्री वल्लुपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में तैयार किया गया दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चीता प्रोजेक्ट देख लीजिएगा, चीता प्रोजेक्ट
गोल्डन लंगूर दोस्तों, इसके लिए बहुत बात की थी हमने, गोल्डन लंगूर जो नॉर्थ ईस्ट में मिलता है उसका एरिया श्रिंक हो रहा है। भूटान भारत का इलाका, बोर्डो का क्षेत्र का इलाका दोस्तों श्रिंक हो रहा है, इसके इलाका ने बात की थी। इसके अलावा दोस्तों लद्दाख का स्टेट एनिमल एंड बर्ड की बात करें हम लोग यहाँ पर, स्टेट एनिमल एंड बर्ड आपको याद होगा जो आपका स्नो लियोपर्ड है और जो आपका साइबेरियन क्रेन है एक प्रकार का, उसको दिया गया राज्य पक्षी या जो यूटी है लद्दाख उसके राज्य पक्षी और राज्य पशु का दर्जा। चर्चा में रहा दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन, कॉम्बैट यूएनएफसीसी बात होती रहती है, यूएनसीसीडी की बात हुई दोस्तों, ब्लू फ्लैग की बात हुई, यहाँ तक हम लोग कर चुके दोस्तों। आपको याद होगा 56 टॉपिक मैंने उसमें कराए थे, ऐसा मेरे एक मित्र का मानना है, उन्होंने इंडेक्स बना के मुझे भेजा था, मुझे भी याद नहीं, लेकिन हमने 56 टॉपिक उन दो क्लास में किए थे। हमारे टॉपिक बहुत सारे हुए होंगे मुझे मानना है, लेकिन हाँ मोटे मोटे स्तर पर 56 टॉपिक को हम बांट सकते हैं, ये हमारे एक मित्र का मानना था, उन्होंने मुझे लिस्ट बना के यहाँ भेजी थी कि सर उन दो क्लासेस में तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आगे देख ले दोस्तों इंडेक्स हम लोग यहाँ पर, आगे देखें इंडेक्स हम लोग फटाफट यहाँ से, और क्या इंडेक्स में हमारे पास है। चलिए ओके दोस्तों, ग्राउंड वाटर पे चर्चा रही है साल भर, ग्राउंड वाटर ऑलरेडी की बात कर चुका हूँ मैं आपके साथ, 22 मार्च को जो आपका वर्ल्ड वाटर डे होता है तब भी हमने ग्राउंड वाटर फोकस किया था, पूरा आर्टिकल डिस्कस किया था आपके साथ। भारत सरकार ग्राउंड वाटर बचाने के लिए प्रयास कर रही है, अटल भूजल योजना हो या सरकार का सर्वे करने की बात हो, 5-6 स्कीम लिखवाई थी उसमें, 22 मार्च के एक आर्टिकल भी आया था हिंदू में और मैंने काफ़ी चर्चा की थी। ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, तो जो इनविजिबल थिंग है उसको विजिबल करना, टू मेक इनविजिबल टू विजिबल, याद होगा हमने इस बार का थीम था, पूरा हमने चर्चा की थी 22 मार्च की स्पेशल क्लास भी हुई थी दोस्तों द हिंदू आर्टिकल में, ग्राउंड वाटर पर सरकारी योजनाओं के नाम, पहले भी हमने कराए थे, लास्ट क्लास में कराए थे दोस्तों, एनवायरमेंट क्लास में भी कराए थे मैंने आपको दोस्तों कुछ टॉपिक, और अलग से भी कराए थे दोस्तों। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन को लेकर, जी हाँ, अमेजन के वनों का निर्वनीकरण बड़ी समस्या बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी समस्या बनी हुई है। तो अमेजन के डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या किया था, जो ग्लासगो में COP26 हुआ था वहाँ एक प्रकार से एक प्लज किया था कि वो रोकेंगे इसको, रोकने इसको रोकेंगे यहाँ पर वो, और एक लीफ कोलिशन तैयार किया गया दोस्तों जंगलों को बचाने के लिए। ठीक है, लीफ कोलिशन में लगता है इस साल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, हालांकि इंडिया इसका पार्ट नहीं है लेकिन पॉइंट है फिर भी, ये जंगलों को बचाने का प्रयास है, अलायंस है दोस्तों, ये एक प्रकार का अलायंस फॉर अफॉरेस्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, वनीकरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अलायंस है, फाइनेंस अलायंस है दोस्तों, तो पैसा प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, ये फाइनेंस प्रोग्राम है दोस्तों, अमेरिका भी है इसके अंदर, काफ़ी और देश भी है, इंडिया पार्ट नहीं है इसका, लीफ अलायंस ये बन सकता है दोस्तों, लीफ कोलिशन। आपको जो भी टॉपिक पूछता हूँ इसमें नंबर आपके संस्कृत में लिखा है, आपको नंबर आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, शाम को हम लोग 11 बजे आपके संग इस पर एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेंगे इसका, ठीक है ना। बाकी फॉरेस्ट के लिए दोस्तों रेड प्लस स्कीम चलती है, सभी जानते हैं रेड प्लस स्कीम फॉरेस्ट के लिए, तो फॉरेस्ट के लिए दोस्तों काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, टाइम होगा तो हम फॉरेस्ट पर एक पूरा डिस्कस कर दूंगा, तो फॉरेस्ट पर काफ़ी कुछ बात होती है, गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम हमारे पास, अगर हम 2 मिनट दे पाए मुझे आप तो मैं 1 मिनट डिस्कस ही कर दूंगा आपके साथ, समय पास है तक का। तो रेड प्लस एक बार इंडेक्स देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा अपना इंडेक्स देख लेते हैं, तो रेड प्लस स्कीम दोस्तों चर्चा में रहती है, COP13 से चर्चा में, बाली एक्शन प्लान से चर्चा में है रेड प्लस स्कीम, रेड और रेड प्लस दोनों चलती हैं दोस्तों, लीफ कोलिशन तैयार किया गया अभी अमेरिका के सहयोग से। इसके अलावा दोस्तों गंगा रिवर डॉल्फिन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस टॉपिक को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, हम लोग डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर में डॉल्फिन दिवस मना रहे हैं दोस्तों, हम लोग डॉल्फिन दिवस तैयार कर रहे हैं, डॉल्फिन डे हमने तैयार किया है, नेशनल डॉल्फिन डे होगा हमारे यहाँ पर। फ्लैप शेल टर्टल चर्चा में रहे दोस्तों, इसके बारे में कुछ भी जानना हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिएगा बस, तो मैं आपको डिस्कस भी कर दूँगा, मुझे लगता है वैसे मालूम होना चाहिए, पढ़ते रहे हम कहीं ना कहीं साल भर, क्यों समय खराब किया जाए उस पर, कुछ और ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको नहीं आती हैं, नहीं मिल रही हैं गूगल पर। तो कूर्मा ऐप की बात करें दोस्तों, कछुओं को बचाने का ऐप है, कछुओं को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किया ऐप है जिसे कूर्मा ऐप कहते हैं इसको हम लोग। इसके अलावा दोस्तों टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारा सोसाइटी इंडिया है दोस्तों, WIS वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हमारा जो है सर, WCSI हमारा दोस्तों, और टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, इन्होंने एक प्रोग्राम नेटवर्क किया है दोस्तों, ITCN इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क, ठीक है इसे देख लीजिए दोस्तों, काम आएगा आपके लिए। 23 मई को मनाते हैं वर्ल्ड टर्टल डे, मनाते हैं हम लोग वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को होता है, ठीक है। ग्लासगो ग्लेशियर दोस्तों नाम दिया गया है ग्लेशियर को, मैंने बात की थी ग्लासगो ग्लेशियर, जेनेवा ग्लेशियर, रियो ग्लेशियर, स्टॉकहोम ग्लेशियर, बाली ग्लेशियर, कई नाम दिए गए ग्लेशियर्स को जो
इंपॉर्टेंट बेंचमार्क एनवायरनमेंट समिट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम नंबर दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं ग्लेशियर्स को अंटार्कटिका के जो पिघल रहे हैं, मेल्टडाउन कर रहे हैं, उनको हम नाम देते जा रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा इमिशन गैप रिपोर्ट EGR कौन जारी करता है, UNEP जारी करता है, हर साल आती है दोस्तों। इमिशन गैप रिपोर्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, फेमस रिपोर्ट दोनों किसकी हैं दोस्तों, ये UNEP की रिपोर्ट है। फोर्थ असेंबली ऑफ ISA, जी हाँ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का चौथा सम्मेलन भारत में हुआ दोस्तों। ये ISA का फोर्थ समिट, 105 मेंबर हो गए हैं लगभग ISA के अंदर, अब 105 सदस्य राष्ट्र हो गए हैं इंक्लूडिंग नेपाल टू, नेपाल को मिलाकर लगभग 105 देश हो गए हैं दोस्तों हमारे। अभी नेपाल के PM आए थे लास्ट मंथ, उन्होंने हमारे ISA में साइन किए और नेपाल को मिलाकर 105 देश हम लोग जोड़ चुके हैं अपने ISA में। तो फोर्थ मीटिंग हुआ दोस्तों। ISA ने इस बार वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड कॉन्सेप्ट लॉन्च किया ग्लासगो में। आप जानते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है, जिसमें पूरी दुनिया को रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रिड से जोड़ने का प्रयास है। इसके अलावा दोस्तों ISA के कार्यक्रम लॉन्च किए, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव COP26 में लॉन्च किया हम लोगों ने यहाँ पर। इसके अलावा बैटरी रीयूज पर जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है बैटरी का, या सोलर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऊर्जा बनाने के लिए सोलर पावर का प्रयोग, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं दोस्तों, उसके लिए ISA ने लॉन्च किए कार्यक्रम रहे, तो ग्रीन हाइड्रोजन पर सोलर प्रोग्राम लॉन्च किए हैं ISA ने। इसके अलावा दोस्तों G20 क्लाइमेट रिस्क एटलस जारी किया गया कि G20 देशों में क्लाइमेट चेंज से क्या क्या रिस्क पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा हॉर्नबिल की हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, याद होगा टॉपिक, तो ई वेस्ट जनरेशन हो चुका, एंडोसल्फान को लेकर चर्चा रहती है, एंडोसल्फान जो कि केरल में एक बड़ी त्रासदी बन गया था दोस्तों, केरल का केसरगोड डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, जहां पर एंडोसल्फान का यूज़ होता था काजू के खेतों के ऊपर, बड़ी समस्या रहा वहां पर। रिपोर्ट्स आ रही है वहां से कि किस प्रकार वो लोगों को उसने मुश्किल पहुंचाई है, एंडोसल्फान केरल में एक बड़ा इशू बना हुआ है। कुनमिंग डिक्लेरेशन हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, 30x30 हम लोग कर चुके हैं। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी कोष्ट फंड तैयार किया चाइना ने दोस्तों, ये कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड तैयार किया चाइना ने, छोटा सा राशि दिया 250 मिलियन डॉलर के आसपास की, जिससे लोग मान रहे हैं काफ़ी कम फंड है अपने आप में, चीन द्वारा बहुत बड़ा फंड दिया जाना चाहिए था, लोगों ने इसका अपोज भी किया है दोस्तों। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, यानी कि इस प्रकार का सार्वभौमिक अधिकार है, ह्यूमन राइट चार्टर है जैसे UN का, उसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल होना चाहिए। मानव को अधिकार है अपने आसपास के वातावरण को साफ वातावरण में रहने का, साफ एनवायरनमेंट में रहने का, जी हाँ। तो UN का मानना है कि एक अधिकार है, जैसे बाकी अधिकार है, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बोलने का अधिकार, ऐसे अधिकार है आपका राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, जी हाँ। तो ये दिया जाना चाहिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 21 ऑलरेडी इनबिल्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर चुका है आर्टिकल 21 का कि राइट टू लिव विद डिग्निटी, सम्मान से जीवन जीने के अधिकार में राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी है, जी हाँ बिल्कुल, ऑलरेडी हमारे संविधान में, हमारे कोर्ट के आदेशों में शामिल है। इस प्रकार से कहा जाए आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हमने कर रखा है पहले ही, अब इसको UN भी मान रहा है कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट UN चार्टर का पार्ट बना है, जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा एरियल सीडिंग कैंपेन, हवाई जहाज़ हेलीकॉप्टर के द्वारा जंगलों में जहां पेड़ उजड़ गए हैं, डिफॉरेस्टेशन हो गया, वहां बीजों को डालना, सीड बॉम्ब डालना, एरियल सीडिंग करना, जिससे बारिश आए, जब ह्यूमिडिटी बढ़े तो वहां पर पेड़ पनप सकें, जंगल हरा भरा हो सके। तो हरा भारत, हरा भरा माफ कीजिए, हरा भरा एक कॉन्सेप्ट है जिसके तहत एरियल सीडिंग कैंपेन या वायु से हवा से बीज छिड़कने की परंपरा शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों विश्व मौसम संगठन ने जारी किया क्या, क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2021 जारी की, किसने दोस्तों, विश्व मौसम संगठन WMO ने जारी की, याद रहेगा आपको। ओके राजवर्धन कह रहे हैं सर, सर हाइड्रोजन कुछ कलर में भी है, ग्रीन वाइट ग्रे ऐसे टाइप से, तो हाइड्रोजन 7-8 कलर में आती है, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, वाइट हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, 6 तो मुझे याद आ गए, एक आध हाइड्रोजन और बन जाएगी, 6 तो मुझे याद है फिलहाल, बताएं दोस्तों सारे मैंने आपको। ब्लू हाइड्रोजन कौन सी होती है, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर सुन लीजिए, ब्लू हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, 3 तो बी से हो गए, ब्लू ब्लैक ब्राउन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन और एक वाइट हाइड्रोजन, प्लास्टिक से बनती है जो अपनी वाइट हाइड्रोजन, ठीक है ना, जो प्लास्टिक वेस्ट से बनाते हैं ब्लू हाइड्रोजन, वो होती है आपकी जो प्लाज्मा पायरोलिसिस से बनती है, वाइट हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग। तो 3 ब्लू हो गए दोस्तों, ब्लू ब्लैक और ब्राउन, इसके अलावा ग्रे और ग्रीन, ग्रे बनती है दोस्तों CH4 से, मीथेन से, ठीक है, ग्रीन और एक होता है दोस्तों आपका वाइट हाइड्रोजन, ठीक है, और मिल जाएंगे कलरफुल हाइड्रोजन, या 7 धन बना लीजिए आराम से, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं आपके साथ। मैं बता चुका हूँ सारी ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी है, हाइड्रोजन मिशन मैंने पढ़ाया था, पूरा टॉपिक टाइप कीजिए हाइड्रोजन मिशन आशीर्वाद सर, पक्का आपका एनवायरनमेंट का एक लेक्चर पढ़ा है आपके यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। चलिए तो हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, ऑरेंज हाइड्रोजन नहीं सुनी मैंने यार, कोई ऑरेंज हाइड्रोजन मतलब क्या मालूम होती हो, तो सुना नहीं है मैंने, सर्च करना शायद मिल जाए नेट पर कुछ, ठीक है।
क्लाइमेट ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 दोस्तों, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी होता है दोस्तों, इस पर देख लीजिए काम आएगा आपको। यहाँ पर जलवायु विविधता सूचकांक क्या है, वैश्विक जलवायु विविधता जर्मन एक संस्था जारी करती है, जर्मन वॉच नाम की संस्था जारी करती है। हमारे जो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दोस्तों, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्लांट डिस्कवरीज 2020, कौन कौन से पौधे खोजे गए 2020 में। हर साल जैसे हमारा होता है ना, आपका जो फॉरेस्ट सर्वे आता है, एनिमल सर्वे आता है, ऐसी बॉटनिकल सर्वे आता है, तो देश में कौन कौन से नए प्लांट ढूंढे गए उनकी खोज खबर आती है, तो बहुत काम का नहीं है हमारे यहाँ पर। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों, तो प्लांट डिस्कवरीज रिपोर्ट इनकी हर साल आती है, कोई नई बात नहीं है। कौन कौन से नए पौधे खोजे, कौन कौन से पौधे एंडेमिक हो गए, कौन से संकट में आ गए हैं, उन सब की लिस्ट होती है, बहुत ज़्यादा काम की लिस्ट नहीं है। बस कौन जारी करता है प्लांट डिस्कवरीज, वो जारी करता है हमारा बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सारा की बात है दोस्तों यहाँ पर। हाइब्रिडेंट शार्क, इसके कुछ साक्ष्य देखे गए इंडिया में सर, तो इंडिया के रेगिस्तानों में इसके शार्क, इसके साक्ष्य देखे गए, कुछ पॉइंट पॉइंट नहीं है सचेस, तो हाइब्रिडेंट शार्क, उसके अलावा कुछ प्रजातियाँ ढूंढी गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बहुत काम का नहीं है। इसका दोस्तों हमने IIT ने तैयार किया कॉटन कंपोजिट फॉर ऑयल स्पिल हो जाता है, समुद्र में तेल बिखराव हो जाता है, उसको समेटने के लिए, उस ऑयल स्पिल को सुखाने के लिए एक प्रकार से हमने क्या किया है, सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट तैयार किया IIT ने हमारे, तो इंपॉर्टेंट नहीं है सचेस सर। विश्व बॉटम संगठन का छोड़ दीजिए, काम का नहीं है दोस्तों। WHO के नया वायु गुणवत्ता मानक दोस्तों, ये बहुत काम का है, मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, PTA भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपको यहाँ पर। वैश्विक वायु गुणवत्ता मानक WHO ने जारी किए दोस्तों, जिसमें आपके नए पैरामीटर शामिल किए गए हैं, पहले 2005 में आए थे, 2021 में नए पैरामीटर आ गए हैं, इसके बाद नॉलेज आपको होना चाहिए दोस्तों। हम्बल्ड पेंगुइन दोस्तों लाई गई बम्बई के जू में हमारे यहाँ पर, पेंगुइन वो भी हम्बल्ड रोड कहाँ पर मिलती है सर, पेरू के तटों पर मिलता है हम्बल्ड रोड, तट आपको याद होगा, तो पेरू के जो करंट चलते हैं पेरू के कोस्ट पर हम्बल्ड रोड करंट कहते हैं। पेंगुइन की बात कर रहे हैं तो पेंगुइन की बात हो रही है दोस्तों, वहाँ से लाया गया मुंबई के जू में इसको, तो भारत में पहली बार हम्बल्ड रोड पेंगुइन लाई गई दोस्तों। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव क्या है, तैयार किए जा रहे हैं, छोड़ दीजिए कुछ काम करिए दोस्तों। याद रखिए आप, मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत पहला, दुनिया का पहला 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ तैयार किया गया है, पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व जो 5 देशों में फैला हुआ है दोस्तों, कहाँ पर है, यूरोप के अंदर डेन्यूब नदी के पास सर, तो यूरोप के पास डेन्यूब नदी के पास है दोस्तों, याद रखिए आ सकता है 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व जो फैला हुआ है यूरोप के अंदर 5 देशों में दोस्तों। इसके अलावा IUCN की कांग्रेस मीटिंग हुई, कोई खास नहीं है, कोमो ड्रैगन्स। इसके अलावा दोस्तों सस्टेनेबल टूरिज्म इनिशिएटिव पर चर्चा रही देश में, किस प्रकार आप टूरिज्म को सस्टेनेबल कर सकते हैं, चर्चा होती रही दोस्तों। रैप्टर को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, तो शिकारी पक्षी जो होते हैं, शिकारी पक्षी उसको लेकर चर्चा हुई, लगातार खतरे में है वो। रैप्टर पर याद रखिए MOU हो चुका है पहले भी, एक 2016 में एक MOU हो चुका है रैप्टर में, किसके तहत, अंडर द CMS कन्वेंशन के तहत, कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, प्रवासी पक्षियों पर जो कन्वेंशन है दोस्तों, प्रवासी प्रजातियों पर, नॉट पक्षियों पर, प्रवासी प्रजातियों पर जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसके तहत 1979 का कन्वेंशन दोस्तों ये, इसके तहत एक MOU साइन हुआ था 2016 में रिगार्डिंग रैप्टर शिकारी पक्षी, बाज, चील, गिद्ध, उल्लू आदि इसमें आते हैं दोस्तों, शिकारी पक्षी कहलाते हैं, इनको बचाने के लिए ये माइग्रेट करते हैं एक देश दूसरे देश में, तो अगर हम लोग गिद्ध को बचाते हैं दूसरा देश भी गिद्ध को बचाए, हम अगर बाज को प्रोटेक्शन देते हैं तो बाज को अगला देश ही प्रोटेक्शन दे। जी हाँ दोस्तों, तो रैप्टर संकट में है, लगातार संख्या कम हो रही है, थ्रेट इनकी इनकी जीवन के ऊपर, ऐसे में रैप्टर को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, तो रैप्टर MOU याद रखिए, ग्लोबल एक MOU है रैप्टर, CMS को कहते हैं बोन कन्वेंशन भी दोस्तों हम लोग, CNO कहते हैं बोन कन्वेंशन भी कहते हैं दोस्तों उसको हम लोग, तो CMS या बोन कन्वेंशन साइन हुआ था 1979 में, और इस साल इस पर क्वेश्चन आने वाला है, याद रखिएगा, अभी से मैं घोषणा कर रहा हूँ, विश्वाणी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे को आप इतने बजे पेपर में देख रहे होंगे CMS कन्वेंशन, मेरा वादा है आपसे, तो पढ़ के जाइएगा। CMS के तहत भारत किन किन पर साइन कर चुका है, चारों एलिमेंट आपको याद रखने होंगे, ड्योगोंग, साइबर क्रेन, रिवर मैरीन टर्टल्स, और चौथा था रैप्टर, याद रखिएगा। CMS पर भारत ने अब तक 4 जीवों को बचाने कन्वेंशन साइन किए हैं दोस्तों। CMS का मीटिंग लास्ट टाइम हुआ था इंडिया में फरवरी 2020 में, कोरोना के ठीक पहले गांधीनगर गुजरात में हुआ दोस्तों, CMS का कन्वेंशन का जो कोप होता है भारत में हुआ था दोस्तों, काम की बात याद रखिएगा वो। इस कोप में हमने शामिल कराया था आपको याद होगा एलिफेंट को, और जो आपका GIB पक्षी है जो मूव करता है, और बंगाल जो आपके पेलिकन्स हैं, बंगाल का जो फ्लोरिकन्स है, तो 3 पक्षियों 3 जीवों को हमने शामिल कराया था, इंडियन एलिफेंट वो भी माइग्रेट करते हैं, तो उनको CMS की सूची में शामिल कराया गया था, उनको बचाया जाए। GIB पक्षी जो हमारे पक्षी है, हमारा तिलोर पक्षी या गोंडवाना पक्षी जो राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, उसको बचाया जाए, सीमा पार जाता है तो वो, और बंगाल फ्लोरिकन भी इसका भाई एक प्रकार से,
जीआईबी का भाई है, जीआईबी इधर मिलता है, बंगाल फुटकर उधर मिलता है, बंगाल में उसको बचाया जाए, बांग्लादेश में मूव करता है, भूटान जाता है, म्यांमार जाता है, उसका भी संरक्षण किया जाए दोस्तों। तो भारत ने सीएमएस में शामिल कराया था इन जीवों को भी, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए भारत चार जीवों पर साइन कर चुका है, चार जीवों पर एमओयू साइन कर चुका है अब तक, साइबेरियन क्रेन, मैरीन टर्टल, ड्यूगोंग और चौथा है दोस्तों अपना ये रैप्टर्स पर। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, तैयार रखिए, कोई रिवीजन करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, फ्रेशर बच्चे ना देखें तो अच्छा रहेगा ये, आप जब समझेंगे जब आपका एक आध दो साल तैयारी का साल तैयारी का हो जाएगा तो आपको समझ में आएगा दोस्तों ये। सो एलिफेंट नहीं, एशियन एलिफेंट, ओके अच्छा के बता दिया दोस्तों आपने मुझे कि एशियन एलिफेंट है वो, एशियन है, चलिए अच्छा, इंडियन एलिफेंट नहीं मतलब एशियन एलिफेंट होगा, ठीक बात है, चलिए 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 आगे बढ़े दोस्तों, हम लोग आगे चलेंगे यहाँ से स्पीड में। तो ये बोन कन्वेंशन प्लीज़ देख लीजिएगा, ये बहुत काम की है तीनों चीज़ें आपकी, रैप्टर्स पर सवाल बन सकता है, ड्यूगोंग पर हमने बताया आपको, ड्यूगोंग पर बनाए कि अपना एक नया मैरीन हमने कंजर्वेशन रिजर्व तैयार किया तमिलनाडु और मन्नार की खाड़ी में, वो आ सकता है दोस्तों। साइबेरियन क्रेन को लेकर चर्चा, लद्दाख में हमने देखा उसका एक भाई को बनाया गया स्टेट बर्ड वहाँ का, उससे मिलता था पक्षी को बनाया गया स्टेट बर्ड वहाँ का दोस्तों। इसके अलावा आप देखें टर्टल्स पर, लास्ट ईयर फरवरी में टर्टल्स पर नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया, 28 फरवरी को जारी किया था लास्ट ईयर। तो काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं हम लोग अपने जीवों को बचाने के लिए, खासकर वो चार जीव जिसको हमने सीएमएस में साइन किया है। तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, चारों आर्ग्यूमेंट काम के हैं आपके। चलिए देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट किसने जारी की, बीजीसीआई ने जारी की वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट दोस्तों, बीजीसीआई ने जारी की है वर्ल्ड ट्रीज रिपोर्ट पेड़ों पर दोस्तों। बताया मैं लद्दाख का स्टेट एनिमल ऑफ बर्ड हमारा हो चुका है ऑलरेडी ऊपर। लैंड सिंक एनिमेशन दोस्तों, जी हाँ लैंड सिंक एनिमेशन एक प्रकार से डेटा आता रहता है हमारे पास तमाम सारे इस पर। दीप ऑर्बिट बताया मैं दोस्तों आपको मैंने, आपके दोस्तों ये जो हम देखें यहाँ पर, ये अच्छा एक साथ आ गए क्या, चलो कोई बात नहीं, पर नाम देख लेते हैं सबके एक साथ देखना है। ये हिमालयाज में दोस्तों प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, भारत सरकार ने कहा है कि हिमालयाज में उत्तराखंड त्रासदी आई थी लास्ट ईयर, याद होगा आपको लास्ट ईयर जब तपोवन हमारा विष्णुगढ़ के आसपास के इलाके जलमग्न हो गए थे, झील हमारा जो ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हो गया था, याद है टर्मिनोलॉजी 7 फरवरी शायद मैं गलत नहीं हूँ डेट, तो अगर तो लास्ट ईयर 7 फरवरी मंथ में याद आ रहा है फर्स्ट वीक की बात थी, SGLOB ग्लेशियल लेक जो झील थी, ग्लेशियल झील आउटबस्ट हो गया था उसके अंदर, जिसके चलते हमारे उत्तराखंड में एक भारी त्रासदी आई थी। उसका भारत सरकार ने फैसला किया कि जो उत्तराखंड प्रोजेक्ट बन रहे हैं हिमालयाज में वो बनेंगे और बाकी नए प्रोजेक्ट नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, टिहरी का फेज टू है, तपोवन विष्णुगढ़ दोस्तों, विष्णुगढ़ पीपल कोटी, सिंगोरी भटवारी, भट भवांग, मध्येश्वर दोस्तों, तो ये कुछ प्रोजेक्ट बन रहे हैं राइट नाउ, इसको याद रखिएगा, बाकी नई नहीं बनेंगे दोस्तों, कालीगंगा 2 यहाँ तक मिलाकर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोजेक्ट आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रोजेक्ट, ठीक है। चलिए एक साथ आ गया, शायद गलत इंडेक्स हो गया, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। श्रिंकिंग ऑफ सांभर लेक, सांभर लेक सिकुड़ती जा रही है, कोई नई बात नहीं दोस्तों सांभर लेक, लेकिन क्या है, क्या है उसका रामसर स्टेटस, क्या है वहाँ पर लोकेशन, क्या है उसकी, या वहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है सांभर लेक का, नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। आप पढ़ते हैं कि सांभर लेक देश का एक बड़ा हमारे पास शॉर्ट ऑफ वेटलैंड है एक प्रकार से, तो नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद थोड़ा बहुत आपको सिकुड़ लगी था वो। इसके अलावा दोस्तों इसरो ने क्या किया, एक एटलस जारी किया दोस्तों हमारे यहाँ पर, डेजर्ट एंड जो लैंड डिग्रेडेशन एटलस जारी किया है, किसने सर, इसरो ने। तो इसरो ने एक लैंड डिग्रेडेशन पर एटलस जारी किया दोस्तों कि भारत में रेगिस्तान बढ़ रहे हैं, डेजर्ट बढ़ रहा है, लैंड ख़राब हो रही है, इन पॉइंट इसरो है, इन पॉइंट एटलस है दोस्तों, काफ़ी है। याद रखिए टॉपिक तो बन सकता है, इस पर चर्चा काफ़ी रहेगी मुझे लगता है, ये टॉपिक भी है इस बार जो आयोग पूछ सकता है आपसे, क्योंकि इसका कोप भारत में हुआ था कुछ दिनों पहले, इसका कोप भी आप जानते हैं, UNCCD कोप हुआ था भारत में नोएडा में, और जारी हुआ था नोएडा तो नहीं, दिल्ली ट्रस्ट जारी, दिल्ली घोषणा पर जारी किया गया था उस समय दोस्तों, सितंबर 2019 में। इस पर क्वेश्चन नहीं पूछा आयोग ने, तो डायरेक्टली पूछ सकता है दोस्तों यहाँ पर वो, UNCCD दिल्ली घोषणा पत्र, भारत सरकार का वादा कि 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को हम करेंगे अपना रीस्टोर, जिसमें 21 तो हमने क्या घोषणा कहाँ की दोस्तों, बोन चैलेंज के तहत। तो बोन चैलेंज क्या है ये पूछ सकता है, सरकार ने 5 और जोड़ दिया अपनी तरफ से यहाँ पर, और हम लोग अपनी लैंड को रिस्टोर करेंगे, जंगल लगाएंगे, बरसल ख़त्म करेंगे, तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बन सकता है दोस्तों, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन, डेजर्टिफिकेशन इंडिया, इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, तैयार रखिएगा दोस्तों। तो क्या क्या कर रहे हैं डेजर्ट को बचाने के लिए हम लोग, डेजर्ट को बढ़ने से रोकने के लिए, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम ये हमारे पास है दोस्तों, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम,
डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, इसके अलावा DADP, दिखानी यहाँ पर स्क्रीन लेके लिख लीजिएगा साइड चाहे तो, DADP मरुभूमि विकास कार्यक्रम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम और डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम दोस्तों, मरुस्थल विकास कार्यक्रम दो चल रहे हैं आपके यहाँ पर। इसके अलावा UNCCD आपका कन्वेंशन है, ग्लोबल कन्वेंशन दोस्तों, और नए नए फॉरेस्ट हम लगा ही रहे हैं अपने यहाँ पर देश में। नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चल रहा है, NAP, नेशनल वनीकरण कार्यक्रम या राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम देश में चलाया जा रहा है। तो यहाँ तक इंडेक्स आ गया दोस्तों आपका, आगे बढ़ते हैं आपके साथ, आधा इंडेक्स हुआ समझ सकते हैं अभी, तो इंडेक्स और बचा हुआ है, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों लोग यहाँ पर। ठीक है चलो, अरुणाचल प्रदेश में नए मेंढक की प्रजाति खोजी गई, तो बहुत विशेष नहीं है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिसेफ का चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दोस्तों, क्लाइमेट बदलने से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर रिपोर्ट जारी किया दोस्तों, इंडेक्स जारी किया किसने, यूनिसेफ ने दोस्तों, ये यूनिसेफ की बच्चों की संस्था भी काम करती है तो वो जारी कर रही है यहाँ पर चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों नीति आयोग ने एक प्रकार से एक डॉक्यूमेंट जारी किया, नीति आयोग ने हमारे यहाँ पर, इसका नाम है फोरम फॉर डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जी हाँ, जो परिवहन क्षेत्र है उसमें जीवाश्म ईंधन को हटाया जाए, उसको डिकार्बोनाइज किया जाए, उसमें ग्रीन फ्यूल यूज़ करें हम लोग, उसमें एथेनॉल यूज़ करें, उसके अंदर हम हाइड्रोजन का प्रयोग करें, उसके लिए फोरम तैयार किया है। ठीक है, तो डिकार्बोनाइजेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर किससे तैयार किया है फोरम सर, ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ नीति आयोग, ये बर्ड मिल सकता है, थोड़ा सा काम का टॉपिक है। राम सर बताया दोस्तों, मैंने आपको 49 हो गए हैं इस बार, 4 लास्ट ईयर, 2 इस साल फरवरी में, टोटल 49 साइट्स हो गए हैं राम सर के वेटलैंड इंडिया में। सिंगल यूज प्लास्टिक, वर्ल्ड लॉयन डे मना रहे हैं हम लोग दोस्तों, प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है, लॉयन के लिए क्या क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट लॉयन चल रहा है हमारे यहाँ दोस्तों। एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है दोस्तों हम लोगों ने, एशियाटिक शेर संरक्षण परियोजना, UPSC पूछ चुका है इसके बारे में, नहीं पूछेगा दोबारा। इंडियाज प्लास्टिक पैक्ट दोस्तों चर्चा में है काफ़ी, ये भारत का प्लास्टिक पैक्ट क्या है। रेड टाइड हमने देखा दोस्तों, दुनिया के सागरों में रेड टाइड आता है, लाल शैवाल आते हैं लाल, उससे ज्वार आता है, ज्वार क्यों आता है दोस्तों। इसके अलावा सॉफ्ट शेल टर्टल स्वाइन हू आपके सॉफ्ट शेल टर्टल देखे गए, सॉफ्ट शेल टर्टल दोस्तों तो नदियों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, नदियों में, झीलों में, पोखर, तालाब, पॉन्ड्स आदि में पाए जाते हैं दोस्तों। समुद्रों में जो आपके आपके जो टर्टल्स होते हैं वो सॉफ्ट शेल नहीं होते, वो हार्ड शेल होते हैं, उनकी उनकी स्किन कठोर होती है समुद्री पानी के कारण दोस्तों, तो सॉफ्ट शेल मिलते हैं जनरल नदियों में दोस्तों। तो ढूंढा गया अभी हमारे यहाँ पर, ग्राउंड की बात हो चुकी है। 70 पॉल्यूशन दोस्तों, ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट GEP दोस्तों, संकल में जानते हैं ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट आपके सकल पर्यावरणीय, जब GDP काउंट करते हैं इस प्रकार, GDP काउंट करते हैं ऐसे GEP काउंट करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, GB की बात हो रही है। अर्थ ओवरशूट डे आप जानते हैं क्या होता है, पृथ्वी का वो दिन या वो डेट जिस पर आप उस साल के रिसोर्स यूज़ कर चुके होते हैं, ये हर साल चर्चा में आता है, हर साल थोड़ा पीछे भी सरकता जा रहा है, जुलाई अगस्त से जुलाई, जुलाई से जून की ओर बढ़ रहा है दोस्तों ये। तो ओवरशूट डे कब होता है, क्या होता है, कौन जारी करता है, क्या इंडेक्स है दोस्तों, नॉलेज होना चाहिए आपको इस पर, ये एक टॉपिक हमें चर्चा में रह सकता है। फायर क्रैकर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने PLR डिसमिस कर दिया, कोई खास नहीं दोस्तों। हाँ, ये थोड़ा काम का है, बिल्डिंग एनर्जी इफिशियंसी, ऊर्जा भवन संहिता, जी हाँ दोस्तों, ऊर्जा भवन संहिता को लेकर हंगामा रहा, ECBC बोलते हैं हम लोग, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ऊर्जा भवन संहिता तैयार की गई भारत सरकार द्वारा, उसके लिए नई पहल की गई हमारे यहाँ पर, इको निवास संहिता, इको निवास NIWAS कोड जारी किया है दोस्तों। तो इको निवास कोड कुछ नहीं है, ECBC का एक नाम है, ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड था, इसी को बोला गया है इको निवास, निवास होता है घर मतलब, निवास कोड, इको निवास कोड याद रखिए दोस्तों, चर्चा रहेगी इसके बारे में। इसके अलावा दोस्तों हमने क्या किया है, ऐसी बिल्डिंग जो ग्रीन बिल्डिंग बन रही हैं, अच्छी बिल्डिंग बन रही हैं, उनको दिया है हमने निर्माण पुरस्कार दोस्तों, निर्माण पुरस्कार, नेशनल एनर्जी इफिशियंसी रोड मैप फॉर मूवमेंट ऑफ टूवर्ड्स एफोर्डेबल नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट दोस्तों, एफोर्डेबल एंड नेचुरल हैबिटेट, तो प्राकृतिक और वहनीय आवास बनाने के लिए निर्माण पुरस्कार दे रहे हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा भारत सरकार ने ऑफशोर विंड एनर्जी, जी हाँ, किस प्रकार हमारी जो कोस्टल लाइन है उसके बाहर आप टर्बाइन लगाएं और वहाँ पवन ऊर्जा पैदा करें, समुद्रों में टर्बाइन लगाएं, पवन ऊर्जा पैदा करें दोस्तों, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। भारत में कितने जंगल हैं, रिपोर्ट आ गई दोस्तों। राइट टू रिपेयर मूवमेंट रहा दुनिया में, राइट टू रिपेयर मूवमेंट दोस्तों, राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है, दुनिया कई देशों में बात उठ रही है कि वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, वहाँ जो उपकरण होते हैं, उनको सही करने का अधिकार, अभी वहाँ कोई खराबी आ गई तो आपको थ्रो आउट करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर राइट टू रिपेयर मूवमेंट की मांग यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर उठ रही है, अमेरिका में अधिकार दे दिया गया, लेकिन यूरोप में मांग उठ रही है राइट टू रिपेयर, उनको भी अधिकार दिया जाए दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन की बात मैंने की आपके साथ।
क्रिप्टोग्रामिक गार्डन तैयार किया गया उत्तराखंड में दोस्तों, देश का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन तैयार किया गया उत्तराखंड में, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन बाय डिटर्जेंट, जो अपमार्जक होते हैं आपके, डिटर्जेंट होते हैं, साबुन होते हैं, उनसे किस प्रकार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, चर्चा उस पर हुई थी। राजस्थान में टाइगर कॉरिडोर स्थापित किया गया दोस्तों, टाइगर कॉरिडोर अब याद होगा, देश में टाइगर रिजर्व भी स्थापित किए गए, राजस्थान में नया टाइगर रिजर्व बनाया गया हमारे यहाँ पर आंधारी। इसका दोस्तों लेमुरु एलिफेंट रिजर्व चर्चा में रहा, लेमुरु एलिफेंट रिजर्व देश के नए एलिफेंट रिजर्व में से हैं दोस्तों, ये 30 से ज़्यादा एलिफेंट रिजर्व देश में काम कर रहे हैं इस समय, 30 साल हो गए हैं आपके प्रोजेक्ट एलिफेंट को चलते हुए दोस्तों, तो शायद यहाँ पर होता क्वेश्चन ले ले, बड़ी बात नहीं है। तो एलिफेंट को क्योंकि हमने प्रयास भी किया है, शामिल कराया CMS में, एलिफेंट की सेंसिस 2020 में सेंसस हुई, एलिफेंट की 2017 में हुई थी सेंसस, 5 साल में एक बार होती है, 10 साल में उसका रिजल्ट आते हैं लगभग, तो 10 साल में हमारे 7 में हुई, 17 में सेंसस हुई हमारे यहाँ पर हाथियों की, 30 साल होगा प्रोजेक्ट एलिफेंट को, हाथियों के लिए हमने नए रिजर्व तैयार किए दोस्तों, चर्चा इन पर हो सकती है, ठीक है ना। तो मैंने याद रखी हाथियों पर स्पेशल लेक्चर लिया था, आपको याद हो तो किसी को, हाथियों पर एक स्पेशल लेक्चर हुआ था आपके साथ मेरा, जहाँ बताया था हाथियों पर हिंसा हो रही है, किसी ने हाथी के मुंह में एक बम टाइप का रख दिया था, तब भी हमने बात की थी इस टॉपिक पर, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी, हाथियों बचाने टास्क फोर्स गज जो हमने तैयार की थी, गजा टास्क फोर्स, तो उसकी रिकमेंडेशन ही बात की थी। तो काम का है हाथी पर चर्चा, देखें आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है हाथी के ऊपर, हमेशा बनता भी है, UPSC का फेवरेट जीव भी है, नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है दोस्तों, बात इस पर हो सकती है, ध्यान रखिएगा टॉपिक पर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नदियों के किनारे जो शहर बने हैं उनको कैसे बचाया जाए, उनका एक अलायंस तैयार किया गया, ग्रुप तैयार किया गया दोस्तों, चर्चा उस पर रहेगी। गिद्धों को बचाने का प्लान जो सरकार ने तैयार किया, जटायु संरक्षण मिशन तैयार किया, जटायु संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है, देश के कई केंद्र में जटायु ब्रीडिंग सेंटर तैयार किए गए हैं, चाहे पिंजौर हो या फिर रानीखेत हो, तो जटायु को लेकर या वल्चर को लेकर भी चर्चा हमारे काफ़ी, गिद्धों को लेकर चर्चा काफ़ी रही है दोस्तों, तो कोई नई बात नहीं, डायक्लो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर, किस प्रकार दवाइयाँ दी जाती हैं पशुओं को, जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं उससे गिद्धों की मौत हो रही है हमारे यहाँ पर। बता चुका गुंडी नेशनल पार्क की बात हो चुकी है दोस्तों, ये ब्लैक पैंथर हो गया हमारा, नवगरा नजीरा हो गया सर, तिल्लारी रिजर्व, किंग कोबरा, चलिए किंग कोबरा देखा गया दोस्तों। इसके अलावा कोप 26 पर अलग से क्या क्या चर्चा में रहा, कोप 26 में दोस्तों कौन कौन से कीवर्ड चर्चा में रहे, तो कोप 26 हुआ दोस्तों जानते हैं, ग्लासगो में हुआ, क्या होता है COP, नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन से 4 लक्ष्यों पर काम किया COP 26 में, पेरिस रूल बुक तैयार की गई, फाइनेंस की बात की गई, किस प्रकार से न्यू एम्बिशियस टारगेट सेट करेंगे वो चर्चा हुई दोस्तों यहाँ पर, और काफ़ी सारे प्लेजेस जारी किए गए। जलवायु जस्टिस या क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, नेट जीरो की बात करें, क्लाइमेट जस्टिस की बात करें, कार्बन स्पेस की बात करें, ये टर्मिनोलॉजी चर्चा में रही दोस्तों इस साल, भारत ने घोषणा की इस पर कुछ। इमिशन इंटेंसिटी, जी हाँ, उत्सर्जन तीव्रता, इसको लेकर चर्चा रही, भारत ने घोषणा की 2045 तक वो इमिशन, माफ़ कीजिएगा, 2030 तक वो इमिशन इंटेंसिटी को 45% कम कर देगा, 45% डाउन कर देगा इमिशन इंटेंसिटी को, ये भारत ने घोषणा की वहाँ पर। PM ने पंचामृत जारी किया दोस्तों, याद होगा PM ने पंचामृत जारी किया, 5 पॉइंट हैं उसके अंदर, याद कर लीजिएगा 5 पॉइंट। हमने कोप 26 पर स्पेशल लेक्चर लिया, 2 घंटे का पूरा क्लास हुआ था दोस्तों, टाइप कीजिएगा कोप 26 आशीर्वाद सर, 2 घंटे का विशेष क्लास मिलेगा मज़ेदार आपको, पूरा कोप 26 एक एक डिटेल में बायलैंग्वल आपको डिस्कस किया था मैंने पूरा आपके साथ दोस्तों, वन सन वन वर्ल्ड, दोबारा आगे हटाइए यहाँ से इसको। एक प्रकार से जो प्लेजेस वहाँ पर किए गए, जो वादे किए गए हैं, उसमें एक तो है वन सन वन वर्ल्ड, एक है डिफॉरेस्टेशन रेजोल्यूशन जारी किया गया दोस्तों कि जंगल नहीं काटेंगे, भारत में शामिल नहीं है दोस्तों। इसके अलावा भारत ने तैयार किया IRIS, वहीं पर कोप 26 में ही भारत तैयार किया RIIS दोस्तों, छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो क्लाइमेट चेंज का सामना कर सकता हो, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, ये दोस्तों जो छोटे छोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं वहाँ ऐसा इंफ्रा तैयार करना जो रिजिलियंट हो, जो प्रतिरोध कर सके जलवायु परिवर्तन का, तो भारत के सहयोग से तैयार किया गया IRIS, ये पार्ट होगा दोस्तों CDRI का। CDRI पे सवाल बन सकता है दोस्तों, याद रखिएगा CDRI पे सवाल नहीं बना है, इस पर सवाल बन सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। CDRI आपका क्या हेडक्वार्टर है, कहाँ मुख्यालय है, काफ़ी चर्चा साल भर में हमने की है दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर, एक जगह तो कहना मुश्किल, लेकिन साल भर में काफ़ी चर्चा CDRI की मीटिंग सब, PM साहब की स्पीचेस की बात करें, सरकार क्या योगदान कर रही है, CDRI क्यों लिया हमने, कहाँ से ये निकला है आपका, जो आपके जो मुझे कहना चाहिए जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर जो DRR समिट होते हैं दोस्तों आपका, तो वहाँ पर हम देखें किस प्रकार पहले जिस पर दो दाइची साहब को बात करें यहाँ पर, जिस प्रकार जो लक्ष्य तय किए गए हैं हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के,
उसमें किस प्रकार इसकी जगह है, पूछ सकता है दोस्तों, चर्चा हो सकती है इसके बारे में। तो CDRI नई दिल्ली में हेडक्वार्टर तैयार किया गया है, किस मंत्रालय के अधीन आता है या किस मंत्रालय के कोऑर्डिनेशन में होता है, वो सारी बातें आपसे यहाँ पर हो सकती हैं दोस्तों। तैयार रखिएगा उस टॉपिक को, ठीक है। ओके, इसके अलावा दोस्तों छोटे आइलैंड कंट्रीज़ के लिए जो ग्रुप है, जो इनका थोड़ा केयर टेक करता है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लीज डेवलप्ड कंट्रीज, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, तो तीनों प्रकार के देश, जो लैंड लॉक हैं, जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, या बहुत ही कम विकसित राष्ट्र, उनका एक समूह है दोस्तों, UNOHRS इनके मदद करता है दोस्तों, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, काम आ सकता है दोस्तों कि इन्हीं के लिए बनाया गया है, इनमें से छोटे आइलैंड कंट्री के लिए बनाया गया है, क्या दोस्तों, के लिए बनाया गया IRIS, भारत तैयार किया है, पूछ सकता है, एग्जाम में तैयार आ सकता है दोस्तों। मीथेन प्लेज, कि मीथेन को कम किया जाएगा दोस्तों, दुनिया का जो वादा किया मीथेन कम करेंगे अपने यहाँ पर, वो धान के खेत हैं या कई प्रकार का मीथेन जनरेट होता है वहाँ, कम किया जाएगा दोस्तों। इसके अलावा क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर चर्चा रही, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जी हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इस पर चर्चा रही दोस्तों। इंडेक्स होते हैं दो तीन प्रकार के, सीव का दोस्तों क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी इंडेक्स, क्लाइमेट वर्नरेबिलिटी इंडेक्स CVI कौन जारी करता है दोस्तों, सीव जारी करता है, सीव का CVI क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स चर्चा में रहा। COP27 कहाँ होगा, शर्म अल शेख की बात करें, ग्लासगो में फाइनली निकल के क्या आया दोस्तों, ग्लासगो के आउटकम क्या रहे, इसकी बात हो सकती है। 10 बार आउटकम जो है ग्लासगो के, फाइनेंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, इनिशिएटिव को लेकर, तो ग्लासगो के आउटकम्स क्या हैं, इस पर चर्चा होती है कि कोल को फेस डाउन करेंगे, कोयले को ही कम करेंगे, या क्या क्या करने वाले दोस्तों। मैंने कल ही शायद बता कर रहा था, मैं कल जो PIB क्लास कराया था मैंने, उनमें शायद बात भी कर रहा था मैं इस बारे में कि क्या क्या ग्लासगो में करने वाले हैं हम लोग, या क्या क्या हमने वादे किए। कल ही मैंने कराया क्लास में, आपके अकेडमी ऐप पर जो क्लास हुई थी कल, उसी मैंने कराया था, वहाँ PDF भी शेयर किया था मैंने पूरा उसका, तो चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं जाकर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से जाकर इस PDF को, उसमें लिखा है क्या क्या समझौते हुए थे दोस्तों। इसके अलावा ये ग्लोबल रिजिलियंस इंडेक्स इनिशिएटिव, ठीक है, GRI दोस्तों ग्लोबल ये लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, इसकी बात हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और चीज़ें भी हमारे पास हैं अदर देन, इसके अलावा ठीक है, SRP दोस्तों स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, 22 प्रजातियां घोट लो पी जाओ, एग्जाम में बहुत छाप के आना है, सीधा मिलेगा क्वेश्चन, बता रहा हूं दोस्तों। नई वीडियो देखें, देख लीजिएगा, अभी मोमेंट एक दिन, एक हफ्ता पूरा आपके पास है, दो तीन छोटे वीडियोज़ हैं SRP, टाइप कीजिएगा आशीर्वाद सर के नाम से, कई मैंने पूरी की 22 प्रजातियाँ कराई हैं, ऐप पर करा रखा है, यूट्यूब पर करा रखा है, यूट्यूब पर दो चैनल पर करा रखा है मैंने आपको, ये कई बार मैंने शो कराया, क्लास कराया आपको मैंने दोस्तों। तो प्लीज़ SRP अपडेट लेके जाइएगा, 22 वा कराकस जो गुजरात में मिलता है, MP मिलता है दोस्तों, जंगली बिल्ली टाइप की चीज़ होती है, तो उसको शामिल किया हमने 22 प्रजाति के रूप में, 22 तक पूरा अपडेट कर चुके हैं आप SRP को, प्लीज़ इसको पढ़ के जाइएगा ढंग से, कहाँ कहाँ मिलते हैं प्रजातियाँ, काम आएंगी दोस्तों आपको, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आप इसको अपडेट करके जाइएगा यहाँ पर, जो बड़ा 23 तक अपडेट कर चुके हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा मैरीन टर्टल समुद्री कछुआ बताया मैंने आपको, यहाँ पर डॉक्यूमेंट जारी किया गया, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन, नॉइज मॉनिटरिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, NMP बात कर चुके हैं, NPCA, हाँ NPCA दोस्तों कार्यक्रम चर्चा देख लीजिएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंजर्विंग जो आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, राष्ट्रीय मैं कहूँ आपसे जलीय तंत्र संरक्षण कार्यक्रम, जलीय तंत्र संरक्षण कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो जलीय परितंत्र होते हैं, झीलें होती हैं, वेटलैंड होते हैं, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, रामसर तो सुन ही रहे हैं आप, सारा रामसर तो पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से, लेकिन कैसे बचाया जाए, भारत में कौन सा प्रोग्राम है इसके लिए, तो वी हैव NPCA याद रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र को बचाने का राष्ट्रीय संरक्षण कार्यक्रम दोस्तों, वेटलैंड को बचाने का कार्यक्रम है, काम आ सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये वेटलैंड पर। लियोपर्ड्स तेंदुओं की संख्या काउंट की गई हमारे यहाँ, तेंदुए काउंट की गए, 12,000 तेंदुए पाए गए दोस्तों लगभग, जो पिछली बार 8,000 के आसपास थे, तो 12,000 तेंदुए देश के अंदर सेंसस में आया दोस्तों। और तकनीक कौन सी यूज़ की गई, रशियन कैटरैक्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया, कुछ नहीं है दोस्तों, कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी, तो करते ही बचपन से, बस नाम मिल जाए कभी, हो सकता है इस प्रकार का तो पहचान लीजिएगा, मतलब कैमरा ट्रैप टेक्नोलॉजी, तो मतलब वही कैमरे फोटो खींचते हैं, करते क्या है, अब टाइगर का फोटो खींचते थे, अब उसमें तेंदुआ भी आ गया तो उसको भी गिन लिया बैठ के हम लोगों ने, ठीक है ना। तो कैटरैक्ट टेक्नोलॉजी कुछ नहीं दोस्तों, कैमरा ट्रैपिंग टेक्नोलॉजी है जो रशिया से हमने सीखा है, लियोपर्ड को काउंट करने के लिए हमने यूज़ किया दोस्तों इसमें, ठीक है।
CATS दोस्तों, ये हमारे 19 जो हमारे पॉइंट्स हैं, 19 कहना चाहिए मुझे अपने यहाँ पर दोस्तों, हमारे जो शॉर्ट ऑफ टाइगर रिजर्व्स हैं उनको मिला है NATS का दर्जा, CATS का दर्जा, जो एक प्रकार से मिलता है यदि आप टाइगर रिजर्व आपके पास हैं और वो वहाँ पर वेल मेंटेन स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं, वहाँ प्रबंधन अच्छा है, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स वेल ट्रेंड हैं, वहाँ टाइगर को बचाने के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं, टाइगर का इकोसिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है उसके लिए, वहाँ पर पशुओं की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, तो ऐसे टाइगर को मिलता है CATS का स्टैंडर्ड दोस्तों, ठीक है, कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये मिलता है दोस्तों हमारे 19 रिजर्व को इस प्रकार चीज़ मिल चुकी है। इसके अलावा WCCB ने कैंपेन चलाया दोस्तों, हमारे जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है, सरकारी संस्था है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों, उसने कई कैंपेन चलाए हैं, कई अभियान, कई ऑपरेशन चलाए दोस्तों जीवों को बचाने के लिए, टर्टल शीट नाम से स्पष्ट हो रहा है कछुओं को बचाने के लिए, फ्री फ्लाई, वेट मार्क या फिर वाइल्ड नेट दोस्तों, वाइल्ड नेट क्या था, ऑनलाइन जो पशुओं को बेचते हैं, जो प्रतिबंधित पशुओं को ऑनलाइन बेचते हैं, उनकी हड्डियों को, उनके मांस को, उनके शिकार, उनकी खाल को बेचते हैं, नेट ऑनलाइन बेचते हैं, वाइल्ड नेट, तो वाइल्ड नेट हमारे ऑपरेशन चलता है, कौन चलाता है दोस्तों, WCCB, ऑनलाइन पशुओं की स्मगलिंग करना, ऑनलाइन पशुओं के अंगों को बेचना प्रतिबंधित है, और यदि ऐसा करता है तो ऑपरेशन चलाएगा उनके खिलाफ, WCCB ऑपरेशन चलाए, किससे चलाए दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दोस्तों, याद रखिए काम की संस्था आपके लिए। ई संचित पोर्टल दोस्तों, इसके अलावा ये क्या है आपका SWC, अच्छा ये होगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉम्प्लेक्स नेशनल एक्शन प्लान, ठीक है, SWC NEP है दोस्तों, मानव और पशुओं के बीच संघर्ष है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट नेशनल एक्शन प्लान, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय कार्य योजना लॉन्च की गई है किसके लिए, SWC के लिए, SWC ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, मीन्स में काम आस्था पीढ़ी में काम नहीं आएगा, सिक्योर हिमालय दोस्तों, हिमालय के जो लोग रह रहे हैं, हिमालय का जो इकोसिस्टम है, हिमालय पर जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने के लिए ग्लोबल 3 संस्थाएं साथ में आई हैं, GEF आया है, UNDP आया है, या भारत में मंत्रालय आया है दोस्तों, ये तीनों मिलकर चला रहे हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में देश के इलाकों में, हिमालयन इलाकों में सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य है वहाँ की वाइल्ड लाइफ, वहाँ के ट्राइबल्स और वहाँ के इकोसिस्टम को, वहाँ के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना दोस्तों, सिक्योर हिमालयाज, ठीक है। इसके अलावा ये स्कीम बहुत फेमस है, पुरानी हो चुकी है लेकिन चर्चा हमेशा रहती है दोस्तों इसके बारे में, नाम है CSSWHS, सुना है अपने, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आपका है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वन्यजीव आवास कार्यक्रम, ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट या वन्यजीव आवास कार्यक्रम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम दोस्तों, इसी में चलता है SRP ना आपका, इसी में SRP है जिसमें 23 प्रजाति बचाने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों, SRP इसी के तहत आता है, ठीक है। फॉरेस्ट प्लस दोस्तों चलाया जा रहा है देश में, फॉरेस्ट प्लस 2.0 जो अमेरिका के सहयोग से, USAID के सहयोग से चलाया जा रहा है दोस्तों इंडिया में, तो फॉरेस्ट प्लस 2.0 बात हो सकती है। वर्टिकल गार्डन्स तैयार किए गए दोस्तों देश में, वर्टिकल गार्डन्स तैयार किए गए हैं, तो वर्टिकल गार्डन्स तैयार किए गए हैं कुछ प्रकार से देश में तैयार हो रहे हैं वर्टिकल गार्डन्स हमारे यहाँ पर, तो वर्टिकल गार्डन्स को लेकर चर्चा रही है हमारे यहाँ पर, वर्टिकल गार्डन्स तैयार किए जा रहे हैं जो शहरों में कहना चाहिए, शहरों में तैयार हो रहे हैं दोस्तों वर्टिकल गार्डन्स, इस पर बात हो सकती है। ऐसे आप समझ सकते हैं ऐसे ही मेट्रो पिलर आपको दिख रहा है, तो ये इस प्रकार तैयार किए जा रहे हैं दोस्तों, इन्हें कहा गया है वर्टिकल गार्डन्स बेसिकली, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेंगलोर में, नागपुर में, दिल्ली में ऐसा कुछ काम हो रहा है दोस्तों अलग इलाकों में हमारे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो वर्टिकल गार्डन्स थोड़ा याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे चलें आपके साथ वर्टिकल गार्डन। इलीगल GM क्रॉप दोस्तों, इलीगल GM क्रॉप पैदा की जा रही है देश के अंदर, चाहे वो कॉटन की STBT कॉटन हो, या देश के कुछ इलाकों में इलीगल GM क्रॉप का प्रचलन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए क्या कानून हमारे पास है, इस पर चर्चा हो सकती है। मैं 50 सालों का बताया, मैंने आपको बता चुका हूँ इस टॉपिक को। NBT 12 दोस्तों, NBT 12 क्या था, नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो अचीव कर लिए गए दोस्तों, 2012 टारगेट थे इसमें जो सेट किए गए थे IC के लक्ष्यों के मुताबिक, IC टारगेट 2010 में सेट किया दोस्तों, 2010 से 20 ये चला है बायोडाइवर्सिटी डिकेड, IC के 20 लक्ष्य थे, हमने उसको अपने इंडिया में इसको अपने एडजस्ट किया अपने तरीके से और नाम दिया नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट, 12 लक्ष्य थे इसके अंदर दोस्तों, हमने इन 12 लक्ष्यों का अचीव कर लिया है NBT, और नहीं हमें बोलना कि IC टारगेट पूरे कर लिए, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, IC लक्ष्य भारत ने पूरे कर लिए, NBT में चर्चा हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा हाई एम्बिशन कॉलिशन तैयार किया गया भारत सरकार द्वारा, कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज के लिए या अपने अपने अपने
ग्रीन हाउस गैस के लक्ष्य को, एमिशन को थोड़ा सा एम्बिशियस करने के लिए दोस्तों हाई एम्बिशन कोटेशन तैयार किए गए हैं, जिससे आप अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तैयार कर सकें उसके लिए। तो HAC बहुत पार्ट है HAC का दोस्तों, हो पाएगा। तो ये है दोस्तों इंडेक्स आपके पास। इंडेक्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं मेरे पास दोस्तों बात करने के लिए आपके साथ, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा हम देख पाए अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हों दोस्तों तो हम देख पाएँ अगर काम आएगा आपके लिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं इनको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्क क्वालिटी इंडिकेटर्स हो गया, UNEP की नॉइस पोल्यूशन रिपोर्ट हो गई दोस्तों, नमामि गंगे कमेटी छोड़ दीजिए, बायोगैस एनर्जी ठीक है, मरकरी पोल्यूशन, लेड पॉइजनिंग, वेट बल्ब टेम्परेचर, इंटर सोलर लाइन्स की बात मैंने की आपसे, भारत की पहली ग्रीन माइक्रो हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड आंध्र विशाखापट्टनम, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल दोस्तों इसमें E20, E80, E70 का प्रयोग करेंगे, कोल गैसिफिकेशन, कोयले से गैस बनाना दोस्तों, मीथेन बनाना कोयले से, फिफ्थ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन असेंबली UNEA दोस्तों, यूनाइटेड नेशन थोड़ा काम का टॉपिक है सुन लीजिए, आ सकता है इससे निकल के चीज़ें, तो UNEA दोस्तों, तो UNEA का 5वां मीटिंग हुआ दोस्तों यहाँ पर। इसका क्या होता है दोस्तों, UNEA क्या होता है, ये गवर्निंग बॉडी है, UNEP के सारे बड़े फैसले यहीं पर होते हैं दोस्तों। 2012 में इसको बनाया गया, 10 साल पूरे हो गए हैं इसके, 10 साल पूरे कर चुका है कौन, UNEA 10 साल पूरे कर चुका है। UNEP बना था 50 साल पहले दोस्तों, 1972 में, वो 50 साल पूरे कर रहा है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है UNEA, 2 साल में एक बार मीटिंग होती है, 5वीं मीटिंग इस साल हुई इसकी, और ये 2012 में तैयार किया गया, तो 5 मीटिंग हुई, 10 साल हुए हैं इसको UNEA। थोड़ा काम का टॉपिक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें सभी 193 मेंबर इसके शामिल हैं इसमें दोस्तों यहाँ पर, और मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी यही है दोस्तों, ठीक है। तो हर 2 साल में इसकी मीटिंग होती है, और जैसा आप जानते हैं UN इकोसिस्टम रिस्टोरेशन ईयर चल रहा है, वो डिकेट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इसकी चर्चा मैंने की भी थी आपके साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर आ जाएं इससे, डे लाइट हार्वेस्टिंग, दुर्गा पूजा शामिल हो गई, ICH के अंदर बात हो चुकी है, हेग कन्वेंशन, प्लास्टिक वेस्ट नियम बदल गए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के दोस्तों ऑलरेडी चर्चा हम कर चुके हैं, IPCC ग्रेट बैरियर रीफ, घड़ियालों पर काफ़ी चर्चा रही दोस्तों हमारे यहाँ पर, इसके अलावा इंडियन पेंगोलिन तो कॉमन टॉपिक हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया के जो कोलास भालू होते हैं, छोटे छोटे भालू जो पेड़ों पर लटके रहते हैं दोस्तों, उनको एंडेंजर्ड स्पीसीज का दर्जा मिला यहाँ पर। चलिए बाकी ऑलमोस्ट टॉपिक हो चुके हैं हमारे, ये हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट कर चुके हैं दोस्तों आपके संग, फॉरेस्ट रिपोर्ट हम लोग कर चुके हैं, मैंने कराया है पूरा फॉरेस्ट रिपोर्ट, देख के जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बाकी तो फिर देख लेंगे हम लोग दोस्तों, कुछ पूछना हो तो बाकी पूछ लीजिएगा दोस्तों। एनवायरमेंट एक्ट आपको जानते हैं, कैंपा एक्ट है आपके पास दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, इसको 20 साल हो गए, बायोडाइवर्सिटी 2002 में आया था दोस्तों, इसको अमेंड करने की बात चल रही है अभी। कैंपा एक्ट आप जानते हैं, कैंपा एक्ट आया था दोस्तों 2015 में आपका, 2016 से लागू हुआ। ये एक्ट आया नया दोस्तों, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट आपको याद होगा, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग तैयार किया गया दिल्ली NCR के लिए दोस्तों, CAQM ये कानून तैयार हुआ लास्ट ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का दोस्तों, फॉरेस्ट जो हमारे जो कहना चाहिए राइट वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है दोस्तों 2006 का क्वेश्चन पूछता है इस पर। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास और कानून है, WLA 1972 का, WLPA दोस्तों हमारे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट किया जा रहा है उसके अंदर भी दोस्तों इस बार, ठीक है। बाकी आपके EPA 1986 कानून है दोस्तों, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, उम्मीद करता आयोग आपको नॉलेज होना चाहिए कानूनों के बारे में। SRP पढ़ी चुके हैं आप, SRP मेरे साथ यहाँ पर, इसमें क्या है सर, ये तो ऑलरेडी काम हो चुका हमारा, ठीक है दोस्तों। तो एनवायरनमेंट काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, बाकी अगर समय मिले तो जो अक्टूबर के पहले मैंने आपको एनवायरनमेंट कराया था उस समय कैप में, या उस समय के जब मैं रिवाइज़ कराया था आपको, हो सके तो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वहाँ हमने 87 टॉपिक किए थे एनवायरनमेंट के दोस्तों, वो था आपका जनवरी से, या उसके एक साल लगभग 8-10 महीने का करंट अफेयर्स वहाँ भी शामिल किया था, और प्लस इस टॉपिक का इंडेक्स देख लीजिएगा, काम तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एनवायरनमेंट के जो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो उसके बाहर नहीं जाने चाहिए। तो ये इंडेक्स दोस्तों आपके साथ, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है वहाँ लिख दीजिएगा दोस्तों, जो बाद में देखेंगे दिन भर में देख लीजिए लेक्चर का भी आप लोग, ठीक है। और इस पर कुछ भी तो उसका मैं PDF शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, आप ये अभी तुरंत शेयर कर रहा हूँ कि नोट्स ग्रुप में जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, वहाँ आपको PDF प्राप्त हो जाएगा तुरंत इसका थोड़ी देर में। और इसके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर रहा हूँ दोस्तों, 2 लेक्चर जो मैं लिए थे 2.5 घंटे के आपके एनवायरमेंट स्पेशल आपके लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए लिविंग प्लांट रिपोर्ट दोस्तों चर्चा में रहती है, 2 साल में एक बार आती है, इस साल तो नहीं आई, लास्ट ईयर आई थी, उसके पहले आई थी, 2 साल में एक बार आती है तो लिविंग प्लांट रिपोर्ट चर्चा में रहती है दोस्तों। तो रिपोर्ट 2 साल में एक बार आई है, 2 साल में जो भी रिपोर्ट एक बार आती है चर्चा में रहती है,
तो आप देख लीजिए, एलिवन ब्रांड रिपोर्ट जारी करता है WWF, उसको WWF जारी करता है LPR रिपोर्ट। तो लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी वो, इस साल तो नहीं आई अभी, इस साल आएगी अक्टूबर नवंबर में। तो जब तक नहीं आएगी तब तक वही काम की रहेगी पुरानी वाली रिपोर्ट आपकी। LPR पे वीडियो लिया था दोस्तों स्पेशल मैंने, ठीक है, देख लीजिएगा, उसको काम आएगी आपको वहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों इसका एक्सप्लेन पार्ट होगा रात को 11 बजे। अभी हम 11 बजे PIB अपडेट, जो बच्चे 23 का एग्जाम दे रहे हैं उनसे मिलेंगे 11 बजे अभी। और जो है कॉम्बैक दीजिए, जो बच्चे 22 का दे रहे हैं कॉम्बैक देंगे करंट अफेयर्स का इस बार का। और 23 के बच्चे जुड़ेंगे मेरे संग PIB मेरे साथ। शाम को 7 बजे मैपिंग का क्लास होगा अपना कैप का दोस्तों। और रात को 10 बजे होगा अपना एक जनरल इकोनॉमी का लेक्चर, स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, वो सबके लिए है, करना चाहें जो करना चाहें सबके लिए होगा दोस्तों वो लेक्चर। तो मिलते हैं अभी 11 बजे आपके साथ अपने PIB अपडेट पर दोस्तों। दीजिए आज्ञा मुझे, अब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।